ये हमारी मशहूर चरसी, पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई की फाइनल लुक। देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा अदरक गार्निश कर देंगे। ये देखें, थोड़ा सा अदरक मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद राबिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेशावर की मशहूर जर्सी कढ़ाई, जो कि कुछ ही मसालों के साथ बनती है और टेस्ट वाइज तो बहुत मज़े की होती है। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये मेरे पास 1/2 kg चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। 4 अदद मेरे पास टमाटर हैं, टमाटर इसमें लाजमी जाते हैं, टमाटरों से इसका टेस्ट बनता है, ठीक है। 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं। 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून मेरे पास, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून मेरे पास अदरक का पेस्ट है, ठीक है। नमक है 1 टीस्पून करीब मेरे पास, काली मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है। चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब पैन ले लेंगे, यहाँ पे हम इसमें खूब ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल फिर हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ये इनफ है, इतना हमें चाहिए। ये देख लें, काफ़ी ज़्यादा मैंने डाल लिया। अब इसके अंदर मैं अपना चिकन शामिल कर दूँगी। इसके नीचे चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामिल कर दूंगी मैं सारा। चिकन को फ्राई होने देते हैं यहाँ पे। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है और जो बाद में एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो आपने निकाल लेना है। या आपने परेशान नहीं होना कि इसमें इतना ज़्यादा ऑयल क्यों शामिल हुआ है। तो अगर आपने ये पहले खाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको फ्राई होने देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद, ठीक है। इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा, हल्की दरमियानी आंच पे इसको कवर कर दिया। अब आपसे मिलेंगे 10 मिनट बाद। इसे पकते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना जो, वो निकाल लूँगी और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी आगे क्या करना है आपने। क्या तो कलर चेंज हो चुका है, ये देखें ब्राउन ब्राउन हो चुका है। अब इसको मैं एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी आपने क्या करना है, ठीक है। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था सारा मैंने निकाल लिया। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। जिसमें मैं मानी रही, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम इसमें थोड़ा सा अपना पानी भी शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, इसमें पानी शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी मैंने बस 2 से 3 सिप इसमें शामिल किया है। अब इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है अदरक लहसुन डाल के। इसको मैं भूनती हूँ 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है, ठीक है, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ना आए। तो यहाँ पे छोड़ देंगे कवर करके। इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया था। अब इसकी मैंने बुनाई कर ली है अच्छी तरह से। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर आपने साबुत ही रखने हैं, ठीक है। तमाम टमाटर मैंने रख दिए हैं, मैंने साबुत ही रखे हैं, और आपने भी इसी तरह रखने हैं। जब ये गर्म हो जाएगा फिर हम इसका छिलका ऊपर से रिमूव कर लेंगे। फिर इसको हम कवर करके छोड़ देंगे दरमियानी आँच पे 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाते, ठीक है। तो मैं कवर कर दूँगी तो फिर आपसे मिलेंगे अब जब ये नरम हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने पका लिया है 10 मिनट के लिए। अब इसका छिलका रिमूव करते हैं। छिलका रिमूव करना बहुत आसान है। ये देखें, ये गर्म हो चुका है। इस तरह करके इसका छिलका उतर जाएगा। ये देखें, ये देखें, ईजीली उतर गया है। इसी तरह मैं उतार लूँगी सारा, उतार के फिर आपको बताती हूँ। ये ले, आप भी देख लें, ये लास्ट वाला भी मैं इसी तरह उतार लूंगी। ये देखिए, बस ये इसी तरह उतर जाएंगे। तो छिलके नहीं आपने इसमें ऐड करने और ना ही आपने इसमें पेस्ट ऐड करना है, ठीक है।
छिलके आपने इसके इस तरह करके उतार लेने हैं। ठीक है, ये देखें तमाम छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसको इस तरह करके हम मैच कर लेंगे। इसमें टमाटरों का ही टेस्ट होता है, टमाटर आपने लाजमी ऐड करने हैं और इसी तरह ऐड करने हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, इस तरह करके आपने मैश कर लेने हैं। ये देखें इसको मैंने 5 मिनट के लिए कुक कर लिया। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। साबित मैंने साबित शामिल की, नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। काली मिर्च, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ी देर कुक करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है अभी से, माशाल्लाह। इसको कुक करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जनाब, इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह कितनी अच्छी आई है, और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशबू इसकी पूरे घर में फैली हुई है, इतनी ये टेस्टी बन के रेडी हुई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितनी अच्छी हमारी कढ़ाई बन के रेडी हुई है। ये है जनाब इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया तो आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा इसकी करीबी लुक देखते जाएं आप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, जिसके साथ सर्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफिज़।